मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पिछले कुछ दिनों में जहां कहीं धूप खिली तो कहीं बादल छाए रहे, वहीं अब प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रायसेन सहित कुल 35 जिलों में कहीं हल्की से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई। रीवा में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑफशोर ट्रफ भी बना हुआ है गुजरात कोस्ट से केरला कोस्ट तक के। इन्हीं सभी मींस सिनॉप्टिक सिचुएशंस के चलते अब देख सकते हैं कि हमने जो फोरकास्ट जारी किया गया है 5 दिन का, 30 तारीख को भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्यू से मेनी प्लेसेस तक के है, और यहाँ पे भी मीन्स वर्षा की गतिविधि जो है वेस्ट एमपी में ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। इसलिए जो मीन्स इंदौर उज्जैन संभाग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक व्हाइट कलर का पैच है जिसमें हमने वार्निंग दिया हुआ है, और इसके साथ ही जो है सेंट्रल पार्ट बाकी पूरा जो है मीन्स हमने जो चेतावनी दी है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश तथा नॉर्थ वेस्ट एमपी और ईस्ट एमपी और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एमपी में जो है गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना बनी है। आईएमडी भोपाल के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश धावले के अनुसार मध्य भारत में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मानसून की रेखा मध्य भारत के उदयपुर, शिवपुरी, सीधी, अंबिकापुर और बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है, जिससे प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अभी आप देख सकते हैं सिस्टम जो है सिनॉप्टिक सिचुएशन का, अगर मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो ये इंडिया डोमेन मैप जो है, यहाँ पे जो डीप डिप्रेशन जो है वो सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ इस पर्टिकुलर डीप डिप्रेशन से जो मानसून द्रोणिका है वो निकलते हुए आगे जाके फिर यहाँ पे शिवपुरी से मध्य प्रदेश की शिवपुरी और सीधी से होते हुए आगे ये जो लो प्रेशर एरिया एक बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर बना हुआ है उसकी तरफ मर्ज हो रही है। अभी मीन्स ये जो लो आने वाले दिनों में ये जो लो प्रेशर एरिया है 2-3 दिनों के बाद यहाँ पे इसका आंध्र प्रदेश कोस्ट की तरफ डिप्रेशन में मूव करने का, डिप्रेशन में फॉर्म होने की संभावना पूरी बनी हुई है, और वो जो डीप डिप्रेशन वहाँ पे जो सौराष्ट्र और कच्छ में है वो अरेबियन सी की तरफ जाके डिप्रेशन फॉर्मेट में होकर डिसइंटीग्रेट होने की पूरी संभावना बनी है। उसके साथ मौसम विभाग ने 31 अगस्त को प्रदेश के 11 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, सतना, पन्ना, कटनी, मैहर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर और छतरपुर शामिल हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। ये हम देख सकते हैं कि 31 तारीख को जो है फिर से डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्यू से मोस्ट प्लेसेस, इसमें खास करके जो है नॉर्थ मध्य प्रदेश ने चंबल संभाग का जो शिवपुरी है, शिवपुर कला जो है वहाँ पे जो है मोस्ट प्लेसेस में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। उसके साथ ही आप देखो यहाँ पे जो है ईस्ट एमपी के कुछ जिले जो है जिसमें कि सागर संभाग के उत्तरी जिले हैं जिसमें छतरपुर आता है, उसके साथ ही पन्ना भी है, और अभी सतना रीवा संभाग के जो है कुछ जिले भी, कटनी है, उमरिया, कटनी चौडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला तथा छिंदवाड़ा और पांडुना, यहाँ पे जो है हमने चेतावनी दी है कि यहाँ पे मध्यम से भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है। बाकी जगह पे जो है गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। फिर से वेस्ट एमपी का पोर्शन में मीन्स वर्षा की गतिविधि में इंदौर, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, धार, रतलाम, देवास और राजगढ़ में मौसम साफ रहेगा, हालांकि हल्की वर्षा हो सकती है। दूसरी ओर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम और शहडोल जैसे संभागीय जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। अगर आप भी इन जिलों में हैं, तो मौसम के इस बदलाव से सतर्क रहें। आगे आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण जलभराव और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। प्रदेश का मौसम फिलहाल राहत देने की बजाय फिर से चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।